जो पूजा या भक्ति या भगवान को नहीं मानता तो उसके लिए भगवान नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। जैसे तुम कभी भी लंदन नहीं गए हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि लंदन नाम का कोई शहर नहीं है। लंदन नाम का शहर है, तुम क्योंकि नहीं गए हो तो लंदन से तुम्हारा ना तो कोई फ्रेंड है, ना तुम्हारी रिलेशनशिप है, ना तुम्हारा लेना है ना देना है। इसी प्रकार जो भगवान को नहीं मानते हैं उन पर निश्चित रूप से भगवान की कृपा नहीं होती है, क्योंकि जो तुम्हारा माता पिता है वो तुमको पुत्र मानता है, तुम उसको माता पिता मानते हो। उनको जो लाभ हानि होता रहता है या उनको कभी कभी आनंद होता रहता है वो उनके प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता रहता है। वो भगवान को तो नहीं मानते लेकिन खूब आनंद से रहते हैं। तुमको यार हम भगवान को मानते हैं, हम दुखी हो रहे, तो दुखी होना या सुखी होना ये बाह्य जो चीजें हैं ये प्रारब्ध या कर्म के अनुसार मिलती रहती हैं। भगवान उनको बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं देता है और दुख सुख से भगवान का कोई संबंध भी नहीं है। भगवान, भक्त और भक्ति ये तीन चीज है। भगवान को मानने वाला भक्त कहलाता है और भगवान की सेवा पूजा जो है वो भक्ति कहलाती है। सुख दुख, पुत्र पुत्री, शादी ब्याह, पैसा धन, इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक लेवल पर, ऊंचे लेवल पर आके भजन करने से पाप कटने लगते हैं और पापों की प्रवृत्ति कम होने लगती है। इसलिए कोई पूजा करे या ना करे उसको सुख दुख तो अपने प्रारब्ध से मिलेगा और जो पूजा करेगा धीरे धीरे वो संसार से कटता जाएगा और भगवान से जुड़ता जाएगा। जय श्री राधे, जय निताई।